कटनी जिले में पिछले 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव का मतदान संपन्न हुआ है। वहीं अब विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना की तैयारियां पूरी की जा चुकी है, जिसको लेकर के पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने मतगणना स्थल पर पुलिस बल के साथ में मतगणना से पहले मॉक ड्रिल कराया। इसी क्रम में उन्होंने उपस्थित पुलिस जवानों और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतगणना वाले दिन अपनी शांतिपूर्ण रूप से जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। बता दें कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से लेकर डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी और उसके बाद ईवीएम की गिनती 8:30 बजे से शुरू होगी। वहीं प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 अलग अलग टेबल बनाए गए हैं, जिसमें 20 से 21 राउंड की गिनती की जाएगी। तैयारी चल रही। आपको बताना चाहूंगा कि 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है और उस मतगणना के अनुरूप, मतगणना की तैयारियों के अनुरूप माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों के परिपालन में हमने पूरी योजना बना रखी है और इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए ये एक रिहर्सल, एक ड्राई रन जो है हमने आज करवाया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था रखी, इसमें हमारे बाहर की व्यवस्था, मध्य क्षेत्र की व्यवस्था और मतगणना कक्ष की व्यवस्था, ऐसे करके हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था रखी है। कुल मिलाकर के हमारा पूरा प्रयास है कि मतगणना का कार्यक्रम जो है बिल्कुल सौहार्दपूर्ण, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके, कानून व्यवस्था की स्थिति जो है सुदृढ़ रहे और साथ ही जो आम लोग हैं उनकी भी जीवन शैली में कोई ज़्यादा उनको डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हमने ट्रैफिक की भी व्यवस्था पूरी लगा रखी है। तो कुल मिलाकर के मेरा यह मानना है कि पूरा कार्यक्रम जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न है।